हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 6 बज गए हैं, चाय बनाने जा रहे थे, तो ये तुलसी का पत्ता लेने आए थे चाय बनाने के लिए। और ये तुरई का पेड़ है, तो बहुत सारे इसमें फूल लगे हैं, तो सोचा आप लोग के साथ छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। और ये मेरे घर के चारों तरफ की हरियाली है, बहुत ही सुंदर लगती है सुबह सुबह और तबीयत खुश हो जाती है। और ये मेरा किचन है, किचन के सामने मतलब खिड़की से सूर्य भगवान निकलते हैं, यहीं से नमस्कार कर लेते हैं। और ये सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, आलू और काले चने का छोला ये सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, तो बीच में ब्लॉग भी बना ले रहे हैं। तो ये मेरे घर के जो साइड का हिस्सा है, मतलब बहुत मतलब सब तरफ से मतलब एकदम हरियाली है, जहाँ पे घर है मेरा, बहुत सारी सब्जियाँ उपलब्ध हैं, मतलब कद्दू हैं, लौकी हैं, अनार हैं। तो ये अनार के जो है पेड़ हैं, और इसमें बहुत सारे मतलब फल लग चुके हैं, थोड़े बड़े भी हो गए हैं। कुछ तो चिड़िया जो है खा के काट के गिरा देती है। और ये देखिए, इसमें फूल भी लगे हुए हैं। और ये बैंगन का पेड़ है, ये जो बैंगनी वाला होता है, और सफ़ेद वाला भी ये देखिए बैंगन है। और सब्जियां जो हैं बाहर से नहीं लानी पड़ती हैं, सारी सब्जियां घर में उपलब्ध होती हैं, घर के पीछे मेरी सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। और ये देखिए जो है आम का पेड़ भी है, सूर्य भगवान निकल आए हैं। और ये मेरा बेटा है, यही मतलब सुबह जो है गांव में जल्दी उठ जाते हैं, उठने की सबकी जल्दी आदत है। और ये हरी मिर्च है, तो एकदम तीखी वाली होती है, बहुत मतलब जो गोल वाली होती है बहुत ही तीखी होती है। और ये अरबी का पेड़ है, कद्दू का पेड़ है, और कद्दू भी जो है मतलब लगे हुए हैं, कुछ तो तोड़ तोड़ के गांव में बंटवा भी दिया जाता है मेरे यहाँ, और सब्जियाँ जो है बेची नहीं जाती हैं। और ये घर घर है अपना। और ये जो है दादी हमारी ब्रश करके सूर्य भगवान को नमस्कार कर लेती हैं यहीं से, ये देखिए नल पे खड़ी हैं और यहीं से सूर्य भगवान को नमस्कार कर लेती हैं। और करेले का भी पेड़ है, ये हल्दी का पेड़ है, घर के पीछे लगाया गया है बहुत सारा, और खेत में भी अलग से बैठाया गया है। और ये लहसुन का पेड़ है, तो लहसुन जो है वो मतलब घर में ही मिल जाती है, बाहर कभी भी खरीदना नहीं पड़ता। ये आंवले का पेड़ है, आंवला कम से कम घर के पीछे जो है मेरे 7 से 8 पेड़ लगाए गए हैं। और ये कद्दू भी हो गए हैं, और अभी बीच बीच में कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, तो सुबह मतलब ओस पड़ी हुई है। और ये जो है चीकू का पेड़ है, तो चीकू का पेड़ अभी मतलब छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है। और ये खट्टी पालक है, इसका ये खट्टी पालक की रेसिपी बना के डाल चुके हैं अपने चैनल पे, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, सब्जी भी बनती है, कचालू भी बनाया जाता है इसका। और अब हम खेत में आ गए हैं, तो ये देखिए खेत में हमारे बहुत सारे मतलब हल्दी लगाई गई है, तो पूरा मतलब 1 साल का खर्चा चल जाता है, हल्दी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी पड़ती है। और ये कटहल का पेड़ है, बहुत बड़ा है, और इसमें भी मतलब सीजन में जो है बहुत सारे फल आते हैं, आम भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े हैं, तो आम का आम के सीजन में आम भी बहुत सारे मतलब आते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं आम के। आज खेत आए हैं, गाँव में आए हैं, तो देखिए मेरे यहाँ बहुत सारे पेड़ मतलब बैठाए गए हैं, अमरूद है, संतरे का पेड़ है, और अनार का भी पेड़ है, आम का भी है, नींबू का भी है, आंवले का भी है, आंवला तो बहुत लगाया गया है, कम से कम 7-8 पेड़ हैं, तो अभी छोटे हैं, 1-2 पेड़ हैं, वो बड़े हैं आंवले के, अभी दिखाते हैं हम आप। ये देखिए आंवले का पेड़ है, तो इसमें बहुत सारे मतलब फल है, धूप की वजह से अच्छे से मतलब दिख नहीं पा रही है, तो इसमें आंवला ये देखिए दिख रहा होगा, बहुत सारा मतलब हुआ है। और ये धनिया का पेड़ है, तो इसमें पत्तियाँ भी आ गई हैं, तो धनिया भी नहीं खरीदना पड़ता है, और ये भी ताज़ी ताज़ी जो है सारी सब्जियाँ मतलब मिल जाती हैं। और ये जामुन का पेड़ है, पालक भी हुआ है, और ये देखिए बैंगनी वाला बैंगन है। और ये देखिए अब इसके बाद जो है इसमें मेरे खेत में वो भी लगाया गया है, जो सफ़ेद वाले कद्दू होते हैं ना, जिसका पेठा बनाया जाता है, वो भी बैठाया गया है, बहुत सारे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, आधा तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। ये सारा जो है मेरे घर के पीछे का जो खेत है वहाँ का है, बहुत ही सुंदर मतलब नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगता है, तबीयत खुश हो जाती है। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को कैसे लगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।